आलोक नाथ के खिलाफ रेप की कंप्लेन की थी दर्ज विंता नंदा ने कुछ दिन पहले, और अब वो FIR हो गई है दर्ज और आलोक नाथ हो गए हैं बुक। हम आपको बता दें कि विंता ने आलोक नाथ पर इल्जाम लगाया है कि 19 साल पहले उनका रेप किया था और वो उस ट्रॉमा से काफी सालों तक उभर नहीं पाई। आलोक नाथ पर उनकी कुछ कोस्टार्स ने भी पीकर बदतमीजी करने का इल्जाम लगाया है और उनका कहना है कि आलोक नाथ जब ड्रंक होते हैं तो उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। अब देखना ये होगा कि इस FIR दर्ज होने के बाद क्या होगा और क्या आलोक नाथ खाएंगे जेल की हवा। खैर, इंडिया के मी टू मोमेंट ने लाया है काफी बदलाव और ये है उनमें से एक। हम नहीं कह रहे कि जिस जिस पर इल्जाम लगा है वो दोषी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस जिस ने इल्जाम लगाया है वो झूठा है। लेट्स वेट फॉर द लॉ टू टेक इट्स कोर्स। आपका क्या कहना है आलोक नाथ के अगेंस्ट हुई FIR के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।